हेलो बच्चों, देखो कल हमने दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करने के लिए समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था। एक सदिश P वेक्टर, दूसरा सदिश Q वेक्टर और इन दोनों के बीच का कोण ये लिखा गया था थीटा। हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया और अब समांतर चतुर्भुज का नियम लगाया। क्या कहता है? यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को व्यक्त करें तो इनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला ये विकर्ण इनके परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। इस कोण का मान हमने अल्फा लिखा, कुछ याद आ रहा है? यहां से लंब डाला और इस रेखा को आगे बढ़ा दिया था। ये कोण 90 डिग्री ऑटोमेटिक आपको नजर ही आ रहा है। ए बी सी डी और ई आपने देखा था इस कोण का मान। चलो बताओ, सोचो थोड़ा सा, इस कोण का मान क्या होगा? ये क्यू है तो ये भी क्यू होगा और ये पी है तो इसी को आगे बढ़ा दो। इसका मतलब अगर इस कोण का मान थीटा है तो इस कोण का मान भी थीटा के बराबर होगा। हो गया काम? अब देखो, ये थीटा है, इनके बीच का कोण भी थीटा है। मैंने आपको बताया था इसका मान, ये तो क्यू था, बताओ इसका ये वाला मान कितना आया था और इसका इधर वाला मान कितना आया था? ये वाला मान कितना आया था, याद है? क्यू कॉस थीटा। और ये वाला मान कितना आया था? क्यू साइन थीटा। देख लो आप लोग, अगर आपने नोट्स बनाए हो तो आपको आइडिया होगा। मैंने आपको भेज भी रखे नोट्स, आप लोग लिख करके रखा करो, ठीक है? इसका मान निकालने का तरीका बताया था मैंने, लाल बटे कक्का से साइन थीटा का मान निकालो। चलो बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का, जानते हो? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना? डीसी। कर्ण का मान कितना? क्यू। तो बताओ डीसी बराबर कितना आ गया? क्यू साइन थीटा। इस तरह से निकाला, ऐसे ही कॉस थीटा करके इसका मान में निकाला था। तो ये आपको मान निकालना, में दो दिन लगातार मैंने आपको सिखाया। इसके अंदर हमने इस आर का सूत्र निकाला था परिणामी का, क्या आया था बताओ? समांतर चतुर्भुज में परिणामी का सूत्र क्या था? आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ये आपका आंसर आया था, ठीक है? इसके बाद मैंने आपको इस कोण का मान निकालना सिखाया था और लाइट चली गई। तो बताओ, इस ट्राइंगल की बात करता हूं, ट्राइंगल कौन सा? ए सी डी। इस ट्राइंगल को देख रहा हूं, ट्राइंगल ए सी डी में, इस ट्राइंगल ए सी डी के अंदर टेन थीटा का मान निकालना है। बताओ ए सी डी दिखे आपको? तो बताओ कौन कौन सा काम में लोगे? अल्फा। टेन अल्फा बराबर बताओ क्या होता है? ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये वाला होता है टेन। तो बताओ टेन में क्या लिखोगे? बताओ लंब बटे आधार। त्रिभुज कौन सा काम में ले रहा हूं? ए सी डी। ए सी डी ये वाला त्रिभुज काम में ले रहा हूं। तो इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को क्या करोगे? ए सी डी, ये त्रिभुज नजर आ रहा है आपको, एसीडी त्रिभुज। इस त्रिभुज के अंदर लंब कौन सा होगा बताओ? इसके सामने वाली भुजा ये लंब है, लंब बताओ कौन सी है? लंब कौन सा है? क्यू साइन थीटा। लंब कौन सा है? लंब कौन सा है? क्यू साइन थीटा। और बताओ आधार कौन सा है? लंब बटे आधार। टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार। ट्राइंगल कौन सा है? एसीडी। लंब कौन सा है इसके अंदर? ये। और आधार कौन सा है? ये वाला लंब है। बताओ कौन सा? सीडी तो लंब और आधार कौन सा हो गया? एसी। क्या लिखोगे बताओ? टेन अल्फा बराबर सीडी का मान कितना है? क्यू साइन थीटा अपॉन एसी का मान, ए से लेकर सी तक की टोटल लंबाई का मान बताना है। बताओ यहां से यहां तक की लंबाई,
क्या कोई ऐसे लिखेगा क्या इसको पी वेक्टर? नहीं, सिर्फ मैंने क्या बोला लंबाई, तो यहां से यहां तक की लंबाई का मान कितना है पी, टेन अल्फा बराबर ही आया। तो इस टेन को उधर लिखना सीखो, कैसे लिखते हैं याद है, टेन इनवर्स, इसका मतलब ये टेन यहां नहीं है बल्कि यहां है, लेकिन अल्फा का मान लिखने का तरीका बता रहा हूं, इस टेन को उधर ले जाना सीखो टेन इनवर्स, और ये ऐसे कैसे लिख दो, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये आपका आंसर है। इस एंगल का मान निकालने का ये तरीका हो गया। अब इसके अंदर कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत अच्छे से बहुत एकाग्रचित होकर के आपको देखना है, ठीक है। देखो, आपको दो सदिश दिए थे मैंने, बाकी तो सब अपन ने बनाएंगे। दो सदिश कौन कौन से दिए थे, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, और उनके बीच का कोण कितना दिया था थीटा। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस दे रहा हूं, उनमें आपको कैलकुलेशंस करना आएगा। देखो, केस फर्स्ट, यदि दोनों सदिश, अब ये दोनों सदिश कौन से, किसकी बात चल रही है, पी और क्यू की, दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, चित्र बनाओ। यदि दोनों सदिश एक ही दिशा में हो तो इनका चित्र बनेगा कैसे बनेगा, देखो ये तो पी वेक्टर है, देखो ये रहा पी वेक्टर, और ये जो क्यू वेक्टर था, ये जो क्यू वेक्टर आपने बना रखा है, ध्यान से देखो, अगर ये क्यू वेक्टर भी इसी दिशा में आ जाए, इस क्यू वेक्टर को भी इसी दिशा में बना दो, अब मुझे बता दो कि थीटा का मान क्या होगा। यदि ये क्यू वेक्टर भी इसी दिशा में आ जाए, देखो मैं ला रहा हूं, ये पी वेक्टर है और ये भी इसी दिशा में आ जाए, देखो ये आ गया क्यू वेक्टर। देखो दो सदिश, घड़ी की दो सुइयां एक के ऊपर एक नजर आ रही, एक सुई ये रही, देखो ये वाली, देखो इसको उठा करके यहां रख दो तो ये वाली सुई दिखेगी आपको, फिर घड़ी की दो सुइयां दिख रही है। बताओ अगर ये इधर चलेगा तो बताओ कौन बढ़ रहा है घट रहा है, बताओ दोनों के बीच का एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जब ये यहां आ जाएगा तो इस कोण थीटा का मान क्या होगा, बताओ, और जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो थीटा का मान कितना हो गया, जीरो। जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनके बीच का कोण कितना होता है, जीरो डिग्री, याद रहेगा। ये आपको सोचना है, हम तो सिर्फ ये देंगे, यदि दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे तो क्या होगा बताओ, तो आपको सोचना है यार दोनों एक ही दिशा में तो थीटा का मान कितना हो गया, जीरो डिग्री। अगर इस अवस्था में परिणामी सदिश निकालना हो तो सूत्र बताया था आपको, क्या था बताओ, r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है, जीरो, रख दो जीरो। r बराबर क्या आया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू और कॉस जीरो, बताओ कॉस जीरो का मान, कॉस जीरो का मान कितना होता है, एक, कॉस जीरो का मान एक के बराबर होता है, मान रख दो। आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान कितना कर दिया, एक कर दिया। अब एक को लिखने की यहां पर जरूरत नहीं, अब अच्छी सी चीज नजर आ रही है, देखो आपको वर्गमूल के अंदर क्या नजर आया, वर्गमूल के अंदर क्या नजर आया, आर बराबर वर्गमूल के अंदर देखो ऐसा नजारा देखने को मिल रहेगा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, देखो क्या नजर आया, याद है आपको कल भी बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बराबर क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आएगा। अब वर्गमूल निकालो इसका, बताओ क्या आएगा, आर बराबर वर्गमूल निकालूंगा तो देखो वास्तव में वर्गमूल कैसे निकालते हैं, याद है अंडर रूट एक्स को आप कैसे लिखते हो, इस अंडर रूट का मतलब कितनी घात होती है बताओ, अंडर रूट का मतलब होता है इसके ऊपर कितनी घात लगी हुई है, एक बटा दो,
अंडर रूट का मतलब कितनी घात लगी हुई है, एक बटा दो। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, इसको सॉल्व करके बताओ कैसे सॉल्व करोगे बताओ। अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर के ऊपर कितनी घात लगाओगे। याद रखो इस अंडर रूट का मतलब घात, इसके ऊपर कितनी घात लगी हुई है, हाफ। ये हाफ है, एक्स के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है इसका मतलब एक्स की पावर हाफ है, एक्स स्क्वायर के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है इसका मतलब एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है, हाफ। और मैंने आपको कई बार बताया पावर हमेशा गुणा होती है, कर दो गुणा, एक्स की पावर दो और इसको हाफ से गुणा कर दो, दो से दो कट गया, बताओ कितना बचा, एक्स की पावर वन बचा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का वर्गमूल निकालूंगा तो क्या आएगा, एक्स की पावर वन, और एक्स की पावर वन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। बताओ अगर मैं यहां इसका वर्गमूल निकालूंगा तो क्या आएगा, सिर्फ पी प्लस क्यू, क्योंकि वर्गमूल और ये स्क्वायर और ये वर्गमूल, स्क्वायर वर्गमूल दोनों कट जाए तो आर बराबर आ गया पी प्लस क्यू। इसका मतलब ये हुआ अगर दो सदिश एक ही दिशा में होंगे तो उनको सिंपल जोड़ कर दूंगा, सिंपल जोड़ का मतलब समझ में आ रहा है। जैसे मैं आपसे ही बोलूं कि दो सदिश मान लो, एक सदिश का मान एफ वन बराबर तीन न्यूटन और दूसरे सदिश एफ टू का मान चार न्यूटन है, कितना है, चार न्यूटन, बताओ परिणामी बल कितना होगा। एक वस्तु पर दो बल लग रहे हैं, एक बल तीन न्यूटन का लग रहा है, एक बल चार न्यूटन का लग रहा है, दो बल लग रहे हैं कितने कितने न्यूटन के, एक तीन न्यूटन एक चार न्यूटन, कौन सी दिशा में लग रहे हैं, एक ही दिशा में लग रहे हैं, एक ही दिशा में लग रहे हैं तो थीटा का मान जीरो, और जब थीटा का मान जीरो होता है तो परिणामी किसके बराबर होता है, दोनों के जोड़ के बराबर होता है। तो बताओ इसके ऊपर परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स बराबर क्या आएगा, सिंपल जोड़, तीन प्लस चार बराबर कितना हो गया, सात। ये आपका आंसर आ गया। अगर तो अब आपको क्या याद रखना पड़ा, यदि दो सदिश एक ही दिशा में, दो सदिश अगर एक ही दिशा में तो परिणामी सदिश का मान दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है, दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है, सिंपल सा जोड़। अब आता है केस सेकंड, जो जो हम आगे बढ़ेंगे इन रिजल्ट्स का इस्तेमाल करते चलें, सूत्र वही काम करेगा समांतर चतुर्भुज के नियम का, बोर्ड पर देखें। केस सेकंड, यदि दोनों सदिश परस्पर लंबवत, दो सदिश है मेरे पास, एक P वेक्टर है और दूसरा Q वेक्टर, और इन दोनों के बीच का कोण अब आप समझ सकते हैं कितना है, 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री, सोच समझ करके जवाब दो और बताओ फुर्ती से। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं मेरे पास, एक तो पका पकाया जो सूत्र था उसी का इस्तेमाल कर लो, क्या था भाई बताओ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के नियम से क्या पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज के नियम से परिणामी का सूत्र, R बराबर क्या था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, थीटा का मान रख दो 90 डिग्री। देखो P और Q लंबवत है, पिछला वाला केस क्या था बताओ, दोनों एक ही दिशा में थे, जब दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं P और Q एक ही दिशा में होते हैं तो थीटा कितना आया था, जीरो, तो R कितना आया था, R बराबर आया था P प्लस Q दोनों के जोड़ के बराबर। अभी क्या आता है देखते हैं, करोगे सब, कॉपी पेन ओपन रखो और मेरे से एक लाइन आगे चलते रहो, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्राई मारते रहो। जैसे मैंने अभी यहां टाइम दे दिया, अभी आप
उस टाइम का उपयोग होना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू। बताओ कॉस दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। कॉस 90 बताओ कितना होगा, कॉस 90 का मान आया, कॉस 90 का मान 0। ये आपने सारणी पढ़ रखी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। पहले आप लिखते हैं साइन के मान, फिर लिखते हैं कॉस के मान। इतनी सी सारणी याद करनी होती है आपको, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब इसका उल्टा कर दो इधर, बताओ यहां क्या है, यहां बताओ, उल्टा कर दो ना, ये पूरी की पूरी चीजों को यूं उल्टा कर दो, यूं उल्टा कर दो। ये 1 आ गया इधर, √3/2 यहां आ गया, ये तो यहीं रहेगा, ये इधर चला गया और ये इधर। बताओ cos 90 का मान कितना आया, 0। इसमें 0 कर दो मान, r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq गुणा 0, ये पूरा 0 हो गया। तो बताओ r बराबर क्या, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसका एक एग्जांपल बताता हूं आपसे, कहा जा रहा है एक वस्तु पर 3 न्यूटन एवं 4 न्यूटन के दो बल परस्पर लंबवत दिशा में क्रियाशील है। इस वस्तु पर परिणामी बल ज्ञात करो। एक छोटा सा सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है, जो हमें इस सूत्र को अप्लाई करना सिखा रहा है। तो देखो पहले चित्र बनाते हैं, अगर 3 न्यूटन का बल इधर मानूंगा तो 4 न्यूटन का बल इधर मान सकता हूं, और दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर 90। ये कैसे पता चलता है थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, कैसे पता चलेगा आपको बताऊं, इसमें तो दिया हुआ नहीं है। इसमें ऐसी कौन सी बात आपको नजर आई जिससे कौन पता चला बताओ, एक वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के दो बल परस्पर लंबवत दिशा में क्रियाशील, इस वस्तु पर परिणामी बल ज्ञात करो। आपको इसमें ऐसा क्या नजर आया कि पता चल गया कि यार इसमें थीटा का मान 90 डिग्री, क्या चीज पता चली बताओ, दोनों बल परस्पर लंबवत दिशा में। इस शब्द से पता चला कि इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये मुझे इस शब्द से पता चल गया कि यहां पर थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए। अब मेरा काम बहुत आसान हो गया, परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। तो देखो क्या दे रखा है, F1 = 3 न्यूटन, F2 = 4 न्यूटन और θ = 90 डिग्री। और क्या ज्ञात करना है, F रिजल्टेंट परिणामी। अब मैं सूत्र, इस सूत्र का हुलिया बदल रहा हूं, देखो थोड़ा सा, हालांकि उसमें भी मान रखकर के निकाल सकता था, लेकिन अलग अलग स्टाइल में करो सॉल्व, ताकि हमारा दिमाग किसी एक सूत्र का मोहताज ना बने। ऐसा नहीं कि लगेर के बगैर वही सूत्र लगाऊंगा, ऐसा नहीं। जैसे अब देखो, मैंने इसको क्या कर दिया, F1, इसको क्या कर दिया, F2, F2 बराबर कितना, 4 न्यूटन। और क्या निकालना है, परिणामी निकालना है इसका। तो बताओ परिणामी का सूत्र क्या था, सूत्र बोलो, R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, यही सूत्र है ना। इस सूत्र को अगर मैं चेंज करूं, देखो सूत्र भी चेंज करना सिखा रहा हूं, देखो कैसे चेंज करूंगा बताओ, परिणामी बल, अब तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, आर, इसका नाम भी परिणामी, लेकिन मुझे बल याद करना है ना, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया परिणामी बल बराबर अंडर रूट पहला बल
पहला बल F1, दूसरा बल F2 और 2F1 F2 cos थीटा। देखो सूत्र का उल्लेख बदल गया। देखो पहले सूत्र क्या था, दिमाग में लाओ सूत्र, पहले दिमाग में लाओ सूत्र क्या था बताओ। R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू cos थीटा, यही था ना सूत्र। मैंने चेंज कर दिया भाई सूत्र, R की जगह परिणामी बल आ गया, एक सदिश P की जगह ये आ गया, दूसरा सदिश, और ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो अभी आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, ये P और Q वाला। बताओ मान रखो एफ आर बराबर अंडर रूट एफ वन की जगह तीन का स्क्वायर, एफ टू की जगह चार का स्क्वायर, टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू कॉस 90, और कॉस 90 का मान जीरो होता है तो बेचारा पूरा का पूरा जीरो हो गया। बताओ परिणामी बल बराबर अंडर रूट तीन का स्क्वायर 9 और ये हो गया 16, और ये पूरा का पूरा क्योंकि कॉस 90 का मान जीरो हो गया तो परिणामी बल बराबर आ गया अंडर रूट का 25, और अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूं तो ये आ गया 5। बताओ दो बल कौन कौन से लग रहे थे, कितने कितने लग रहे थे और आंसर क्या आया, थोड़ा सा एनालाइज करो इसको। क्या एनालाइज करूं, पहला सवाल ये था एक 3 न्यूटन का बल था और एक 4 न्यूटन का बल था, बताओ परिणामी बल कितना आया था, परिणामी बल बराबर 3 प्लस 4 कितना आया था 7 न्यूटन। दूसरी बार में क्या हुआ, एक बल 3 न्यूटन है और दूसरा बल 4 न्यूटन है, बताओ इन दोनों का परिणामी बल कितना आया 5 न्यूटन। आया नहीं आया, क्यों अंतर आया भाई बताओ, यहां परिणामी बल 5 न्यूटन आया और यहां परिणामी बल 7 न्यूटन आया, तो ये अंतर आने की का वजह क्या है, क्यों अंतर आया परिणामी बल में बताओ। दिशा की वजह से, क्योंकि पहले दोनों एक ही दिशा में थे तो बल जोड़ के बराबर आ गया, लेकिन अब दोनों बल एक ही दिशा में नहीं है इसलिए आंसर अलग आएगा। ठीक है, आंसर अलग आएगा, एक बार रीज्वाइन कर लो आप लोग तुरंत प्रभाव से। देखें यहां परिणामी बल 7 न्यूटन आया और यहां 5 न्यूटन आया, अंतर का कारण क्या है, पहले दोनों एक ही दिशा में नजर आ रहे थे, अब दोनों परस्पर लंबवत, एक इधर और एक इधर, दोनों परस्पर लंबवत हैं इसलिए आंसर अलग आया। केस थर्ड, यदि मान लो दोनों सदिश परस्पर विपरीत दिशा में कार्यरत, नंबर 3, यदि दोनों सदिश परस्पर विपरीत दिशा में हो, केस थर्ड, यदि दोनों सदिश परस्पर विपरीत दिशा में हो तो देखो एक सदिश P वेक्टर इधर है और दूसरा सदिश Q वेक्टर इधर, बताओ दोनों के बीच का कोण कितना हो गया। अगर P वेक्टर इधर और Q वेक्टर इधर होता है तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 90, अगर ये इधर आ जाए तो 0 और ये अगर इधर आ जाए तो दोनों के बीच का कोण बता सकते हो, दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 180 डिग्री, याद रखना कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, कॉस 180 का मान कितना -1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सूत्र वही लगेगा, समांतर चतुर्भुज के नियम का परिणामी क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा अंडर रूट क्या था, इसके अंदर मान रखता हूं, देखो क्या आता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस 180, रख दो मान कॉस थीटा बराबर कॉस 180 और कॉस 180 का मान कितना होता है -1, तो इसकी जगह आ गया -1। और आगे चलो थोड़ा सा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये माइनस आगे आ जाएगा
माइनस का 2PQ। हो गया काम, माइनस के चिन्ह को आगे लिख लिया। अब आपको वर्गमूल के अंदर एक अच्छी सी बात नजर आ रही है, होल स्क्वायर नजर आ रहा है। देखो R बराबर अंडर रूट पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, जानते हो क्या? ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल के बताओ, देखें क्या होता है। सोचो थोड़ा सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12। और अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 12, ये होल स्क्वायर है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ को मैंने ऐसे लिख दिया, तो बताओ R बराबर क्या आया? वर्गमूल में से इसको बाहर निकाल दो, बताओ क्या आया? P माइनस क्यू। ये आ गया आपका आंसर, R बराबर P माइनस क्यू। चलो आंसर दो, दोनों एक ही दिशा में थे तो क्या आया था? P प्लस क्यू। लंबवत थे तो क्या आया? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और विपरीत दिशा में है तो परिणामी का मान कितना आया? पी माइनस क्यू। घटा दो आपस में। तो अब इसका एक एग्जांपल बताता हूं आपको। देखो ये एक वस्तु है, इस वस्तु पर 4 न्यूटन का बल इधर और 3 न्यूटन का बल इधर लग रहा है। मान लो दो जने इसको खींच रहे हैं, एक जना 4 न्यूटन से इधर खींच रहा है और एक जना 3 न्यूटन से इधर खींच रहा है, बताओ परिणामी बल कितना आएगा? परिणाम दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 180। यहां से याद, इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 180 हो गया। इसका मतलब परिणामी बल क्या होगा? P माइनस क्यू, दोनों सदिशों के परिमाणों के अंतर के बराबर आएगा। एक सदिश बताओ परिणामी बल का मान कितना आएगा? परिणामी बल बराबर 4 - 3 कितना रह गया? 1। तो तीसरा नंबर का जो मैंने सवाल बताया, एक कण पर बल 4 न्यूटन इधर और 3 न्यूटन इधर, बताओ परिणामी बल का मान कितना आया? 4 - 3 1 न्यूटन। इस पर भी 2 बल लग रहे हैं, इस पे भी 2 बल लग रहे हैं, इस पे भी 2 बल लग रहे हैं, लेकिन आंसर अलग अलग आ रहे हैं। और आंसर अलग अलग आने के पीछे कारण क्या है बताओ? आंसर अलग अलग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहां पर इन बलों की दिशाएं अलग अलग है। एक ही दिशा में होंगे तो सूत्र अलग लगेगा, लंबवत होंगे तो सूत्र अलग काम करेगा, विपरीत दिशा में होंगे तो सूत्र अलग लगेगा। अब आपका एक सवाल आता है, देखो 5-5 न्यूटन के 2 बल, 2 बल एक ही दिशा में हो, क्या निकालना है आपको? परिणामी बल ज्ञात करो, बताओ आंसर क्या आएगा? 5-5 न्यूटन के 2 बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, क्या परिणामी बल का मान बता सकते हो? बताओ परिणामी बल, 5-5 न्यूटन की 2 बल, एक वस्तु है इसके ऊपर 2 बल लग रहे हैं, कौन कौन से? 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, और एक ही दिशा में लग रहे हैं। तो सिंपल सा काम है, अगर मान लो 2 आदमी मिलकर के एक ही दिशा में खींचेंगे तो 2 बल एक ही दिशा में लगेंगे तो परिणामी बल का मान, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, F1 बराबर 5 न्यूटन, F2 बराबर भी 5 न्यूटन, और परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या आएगा? थीटा कितना आएगा बताओ? क्योंकि थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री। तो परिणामी बल का मान आएगा F1 + F2, ठीक है, और आपका आंसर आ गया 5 + 5 = 10। अब इसी सवाल में अगर मैं यूं कहता, यदि 5-5 न्यूटन के 2 बल परस्पर 60 डिग्री के कोण पर लगे, तो परिणामी बल ज्ञात करो। अब सवाल देखो, 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, और दोनों के बीच का कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है,
अब बताओ परिणामी बल निकाल सकते हो, बहुत आसान काम है। कैसे निकालेंगे बताओ, बताओ कैसे निकालोगे? सिंपल सा काम है, F1 बराबर 5 न्यूटन, F2 बराबर भी 5 न्यूटन और थीटा का मान 60 डिग्री, और निकालना क्या है, परिणामी बल निकालना। तो क्या करोगे, समांतर चतुर्भुज का नियम लगाऊंगा, सिंपल सा काम। क्या कहता है देखो समांतर चतुर्भुज का नियम, क्योंकि परिणामी बल बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये सूत्र हर जगह लगेगा, हर जगह, कहीं भी मना नहीं करता बेचारा, बोला खूब लगाओ, आराम से लगाओ इसको, कभी भी मना नहीं करता है। कैसे, परिणामी बल की जगह लिख दिया मैंने F1, पहले बल की जगह लिख दिया F1, दूसरे बल की जगह लिख दिया F2 और 2F1 F2 और cos थीटा, बल के रूप में ट्रांसफर कर दिया सूत्र को। सूत्र अभी भी वही है, नियम कायदे कानून सब वही है, सिर्फ मुझे बल के रूप में नजर आने लग गया अभी सूत्र, बल के रूप में भाई पहला बल ये है, दूसरा बल ये है, बीच का कोण थीटा है और परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। अब इसके अंदर मैं मान रखूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे रखूंगा बताओ, Fr बराबर अंडर रूट, पहले बल का मान कितना है 5, कर दो 5 का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर, फिर 2 × 5 × 5 × cos, बताओ cos 60 का, अभी अभी बताया था cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cos 60 रख दो, cos थीटा बराबर cos 60 और इसका मान कितना 1/2। देखो 2 से 2 कट गए, कितना है बताओ, Fr बराबर 25 प्लस 25 प्लस 25, कितना हो गया बताओ, अंडर रूट के अंदर 3 × 25 25 दिया 75। अच्छा 25 का वर्गमूल तो आपको मालूम है, बताओ कितना है परिणामी बल, परिणामी बल देखो इसको दोबारा लिख रहा हूं, 3 × 25, तो बताओ सोचो कितना आएगा आंसर, इसका वर्गमूल करके बाहर निकालो, 5 √3, ये आपका आंसर आ गया 5 √3। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस में अगर मैं आपसे बोलूं कि दो बल परस्पर 60 डिग्री की जगह 90 डिग्री पर क्रियाशील हो, तो इसके अंदर कॉस के मान काम आएंगे, एक बार लिखो आप लोग, लिखो कॉस की लाइन में जो जो मान काम आएंगे मैं आपको लिखा देता हूं, 0 काम आएगा, 30, 45, 60, 90, 120 काम आएगा और 180 मोस्टली ये काम आएंगे। एक बार आप लोग ये लिस्ट बना लो, बनाओ, इन मानों की लिस्ट बन जानी चाहिए, दिमाग में बन जानी चाहिए, अभी तो आप रजिस्टर में बनाओ, बनाओ बताओ ये कितना होता है 1, बताओ इसका मान बोलो, इसका मान √3/2, इसका मान 1/√2, इसका मान हाफ, इसका मान 1, सॉरी cos 90 का मान 0, इसका मान कितना होता है माइनस का 1/2 और इसका होता है माइनस का 1। याद रहेगा कम से कम cos की लाइन में ये वाले मान आपको याद होने चाहिए, cos की लाइन में ये मान अगर आपको याद है आपका काम थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, काम फास्ट करने के लिए लिखो रजिस्टर में, लिखो ये मान, लिखो जिस कागज पर आप काम कर रहे हैं उसमें ये मान लिख लो। अब अगर आपसे कहा जाए 120 डिग्री के कोण पर लगे 5-5 न्यूटन के दो बल, कितने कोण पर, 120 डिग्री के कोण पर, फास्ट सॉल्व करके बताओ, ये सारणी बना ली सबने, सवाल क्या है बताओ, 5 न्यूटन के बल, बलों
के मध्य 120 डिग्री का कोण है, तो इनका परिणामी बल क्या होगा? परिणामी बल का सूत्र बोलो, अंडर रूट एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। अब बताओ थीटा का मान कितना रखना चाहिए, 120 डिग्री, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 120 डिग्री और इसका मान होता है माइनस का हाफ। कॉस 120 का मान याद रखेंगे, कॉस 180 का मान याद रखेंगे, माइनस का वन होता है, मान रख दो। ये है एफ वन का मान और ये है एफ टू का मान, ये एफ वन है और ये एफ टू है, मान रख के देखो आपको आंसर आएगा, ट्राई मारो और आंसर बड़ा सुंदर आएगा, आंसर बहुत स्मार्ट आने वाला है। एक बार अगर आप ट्राई मारेंगे तो आंसर बिल्कुल स्मार्ट बन जाएगा, ट्राई मारोगे मारो फुर्ती से। एफ आर बराबर, ट्राई मारो, मैं आपको एक सवाल और देता हूं, यदि यदि पांच पांच न्यूटन के दो बल परस्पर विपरीत दिशा में क्रियाशील हो तो परिणामी बल ज्ञात करो। पहले इनसे मिल लो, ये आंसर आ गया होगा आपका पांच का स्क्वायर, एफ वन का मान ये रहा पांच का स्क्वायर, एफ टू का मान भी पांच है तो पांच का स्क्वायर, प्लस दो गुणा एफ वन गुणा एफ टू गुणा और इसका मान कितना, माइनस का हाफ। कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा का मान माइनस क्यों हो गया, क्योंकि कॉस 120 का मान माइनस वन माइनस हाफ होता है, दो से दो कट गया। चलो बताओ क्या आया, ये आया 25, ये भी आया 25 और दो से दो गया, ये माइनस का हो गया और ये भी 25 हो गया और 25 से 25 गया तो कितना आ गया, पांच। देखो स्मार्ट आंसर आया या नहीं आया, पांच पांच न्यूटन के दो बल लगाए थे मैंने, देखो कितने कोण पर, पांच न्यूटन का इधर लगाया और पांच न्यूटन का इधर लगाया, कितने कोण पर लगाया, 120 डिग्री के कोण। तो बताओ इन दोनों का परिणामी बल, इन दोनों का कुल असर, परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दीज टू फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू 5 न्यूटन। अगर 120 डिग्री का कोण है तो 5, अगर दोनों एक ही दिशा में होते तो, दोनों एक ही दिशा में होते तो दोनों जुड़ जाते, क्या दोनों एक ही दिशा में है क्या, नहीं है, 120 डिग्री कोण पर है तो परिणामी बल का मान एक ही बल के बराबर आया, देखो 5 न्यूटन है ना स्मार्टनेस। दो समान बल अगर 120 डिग्री के कोण पर होंगे तो परिणामी बल का मान एक बल के बराबर आएगा, देखो कितना स्मार्ट आंसर, दो लगाने की जरूरत नहीं थी, एक ही लगाए थे यार, पांच पांच न्यूटन के दो बल लगाए और वो भी 120 डिग्री पे लग गए तो परिणामी बल का मान कितना आया, 5 न्यूटन। बताओ यहां क्या होगा, बल परस्पर विपरीत दिशा में क्रियाशील है, 5 न्यूटन इधर और 5 न्यूटन इधर, परिणामी बल का मान बताओ थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। बताओ कॉस थीटा बराबर कॉस 180 बराबर कितना होता है, माइनस, मान रख के देख लो, बताओ परिणामी बल बराबर अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू और ये माइनस का वन। सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा, 25 प्लस 25 माइनस, ये माइनस हो गया ना इससे, 5 गुणा 2 10 गुणा 5 कितना हो गया, 50 और ये हो गया। अगर दो जने मिलकर के इसको 5 न्यूटन से इधर और 5 न्यूटन से इधर खींचेंगे तो परिणामी बल मतलब दोनों फोर्सेस का नेट फोर्स, परिणामी बल का मान कितना आया, जीरो के बराबर।
और हम चाहते तो इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते। कैसे डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे? क्योंकि जब विपरीत दिशा में तो परिणामी बल का मान ऐसे P माइनस क्यू करके कर लो, 5 माइनस 5 कितना हो गया, डायरेक्ट भी कर सकते। लेकिन हमने तो अभी समांतर चतुर्भुज का नियम लगा करके इसको सोल्व कर दिया। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो क्वेश्चंस आप लोग मुझे सॉल्व करके और अभी व्हाट्सएप पर भेजेंगे, ठीक है? सॉल्व करके व्हाट्सएप पर डालने हैं आपको क्वेश्चंस। पहले ये बना लो, क्योंकि इनका यूज करना पड़ेगा आपको, इनके बिना यूज के आप उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है? देखो, 2 न्यूटन एवं 6 न्यूटन कर देते, 6 न्यूटन एवं अंडर रूट 3 न्यूटन के दो बल ये आपके लिए आसान से वो रख देता हूं, 3 न्यूटन, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल का बल कार्यरत है, इनका परिणामी बल ज्ञात करो, इनका परिणामी बल ज्ञात करो, जबकि इनके मध्य कोण का मान पहला 0 डिग्री, अगर मान लो इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो तो चित्र बनाना और फिर सॉल्व करना, 0 डिग्री, 60 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, चौथा 120 डिग्री और 180 डिग्री। क्या करना है आपको? परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। 6 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल कार्यरत हैं, इनका परिणामी बल ज्ञात करो, जबकि इनके बीच के कोण का मान आपको दिया हुआ है, इनके बीच के कोण का मान कितना है, 0 डिग्री हो तो परिणामी बल क्या आएगा, 60 डिग्री है तो परिणामी बल क्या आएगा, 90 डिग्री है तो क्या आएगा, 120 है तो क्या आएगा और 180 है तो क्या आएगा, ठीक है ना? अब देखो,